तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शकल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिर है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब दिखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतरा रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमीन पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है ये भी ना जाने राजे की हीर सोनी है बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी ना जाने राजे की हीर सोनी शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनी है हीरा बिल्कुल ठीक हो गई है कमरे में भी शिफ्ट कर दिया उसको उसे हुआ क्या है तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है हीर को हेड इंजरी हुई है एक लड़की कह रही थी गाड़ी वालों ने उसे अगवा करने की कोशिश की और पता है एक्सीडेंट कैसे हुआ हीर सड़क पे जा रही थी और कार उसे ऐसे आके लगी और एक्सीडेंट हो गया चलो शुक्र है गाड़ी लगने के बाद एक्सीडेंट तो हुआ वरना
ये भी हो सकता था कि गाड़ी लगती और एक्सीडेंट ना होता। रोमियो हमें चलना चाहिए। हाँ तो मैं चल ही रहा हूँ एलिफेंट, तुम्हें कौन कह रहा है कि मैं यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा हूँ? हीर की आदत करने जाना चाहिए। मेरे वो कौन सा कोई हमारी क्लास फेलो है, जूनियर है, बदतमीज और ऊपर से दुश्मन भी। दुश्मनी भी तो रिश्ता है, जैसे मियां बीबी का रिश्ता होता है। मुझे समझ नहीं आता ये मरीज को जाके डिस्टर्ब करने का मतलब अयादत क्यों होता है, जहमत क्यों नहीं? ऐसी वैसे डॉक्टर जैगम की सभी बड़ी तारीफ करते हैं, पता नहीं उसे किसने भेजा, हमारी हीर की जान बचा ली उसने। वैसे इस ऑपरेशन से तकलीफ कितनी होती है? क्यों तूने कराना है? वो सास साहिबा ने बर्तन मार दिया था मेरे सर पे, तो मैं सोच रहा था कि अगर तकलीफ ज्यादा नहीं होती तो ऑपरेशन ही करा लूं। मगर भाई ऑपरेशन करवाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी दिल देने से होती। वैसे ये एलोपैथी भी अजीब है, ठंडी गर्म खुराक का तो ख्याल ही नहीं रखते, बस टीकों पर ही जोर है। तुमने पूरी खिला दी थी ना हीर को? हाँ हाँ हकीम साहब। अच्छा मैं जरा दवा खाने से हुआ। सुनिए तू जा बाजी के लिए खाना बना के आ जाना। हाँ? अम्मा अब्बा बगदादी मुर्ग हलीम बहुत शौक से खाते हैं, हम तो होटल से खा लेंगे। बगदादी मुर्ग हलीम, मेरे ख्याल में मैं भी घर चलता हूँ। आए हकीम साहब हम घर चलते हैं। रोमियो बेटा तुम आ गए, बहुत खुशी हुई। रोली पोपो आपका भाई 8 कप पहले। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? फोन भी नहीं उठा रहे, घर में कोई नहीं है क्या? मनाल घर पे है ना, और मम्मी पापा तो रात को आते हैं क्लिनिक से। अच्छा बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना, देखो मेरी तरह राह करो खुश खुश। मनाल को क्या हुआ? वाईफाई सिंड्रोम, अभी ठीक हो जाती है। एक मिनट। ये वाईफाई को क्या हो गया? अरे रोली पुप्पो आप कब आई? अभी आई नहीं है, रास्ते में। मुझे बहुत जरूरी बात करना थी। रोली पुप्पो कोई दुख की बात है क्या? नहीं बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मनाल आपके पास से मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। क्यों मेरे पास क्यों रहोगे? वो तुम्हारे क्लास फेलो जो खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं ना, वो कौन खाएगा? नजर भाई तो घर चले गए। आपने अभी तक दर्द की दवाई नहीं खाई? अब्बा की पुड़ी खाई है इसने। पुड़ी? अब्बा बड़े हकीम है, हकीम लुकमान, नाम तो सुना होगा आपने। मैंने तो नहीं सुना। अभी तो बोला है आपके सामने। अगर आपने अपनी दवाइयाँ देनी तो यहाँ पे कोई दाखिल करवाया? आपको पहले भी मना किया था, अगर आपकी बड़ी सिफारिश ना होती तो डॉक्टर जख्म इसको चेक भी नहीं करने आते। ये दवाई लेकर आए। पैसे दे। हमारी सिफारिश कौन सी है? आपको तो पता होगा डॉक्टर जख्म आपका रोज फोन करके पूछते हैं, वरना उनके पास इतना टाइम कहाँ। और अगर आपने दोबारा ये पूड़ी खाई तो मैं डॉक्टर से शिकायत कर दूंगी आपकी। ठीक है जरा ये पूड़ी निकाल दें। अब हाँ ये इस वाली दराज में। दर्द के लिए अच्छी है,
दे दे। भला तुम भूखा क्या ढूंढने चला गया? ये दवाइयां बाकायदगी से लेते रहे आप, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। जी क्या मसला है आपका? कौन सा मसला? ओह रोलीबा जी, आप मैं आने ही वाला था आपके पास। आप तो जानती हैं ना डॉक्टर्स की मसरूफियात कितनी होती हैं। रिश्ते की बात की आपने? जी मुझे याद है, घर जाके बात करते हैं। मुझे वापस भी जाना है और जहाँ रानिया के रिश्ते की बात हुई है वो लोग बार बार आ रहे हैं। आप कुछ फैसला करें, रानिया के बाप को वो रिश्ता बहुत पसंद है। डॉक्टर जनाह से मैंने बात की थी। हाँ भाभी से मैंने भी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट दी है। मैंने कोई इलाज कराना है? मैं उसे समझाता हूँ, ऐसे ना करे। बात सुने भाई साहब, आपने अगर बात करनी है ना, उन्हें कुछ समझाना है तो सिर्फ रानिया और रोमियो के रिश्ते के बारे में समझाए। देखे मेरी इज्जत आपके हाथ में, मेरी इज्जत आपके। आप रो रही हैं? मैंने इसलिए पूछा ना कि आप तो वैसे ही ये देखो सब स्टूडेंट्स ने तुम्हारे लिए गेट वेल सून पर सिग्नेचर किए हैं और कमेंट्स भी लिखे हैं। वाओ चश्माटू, तूने क्या लिखा है? तुम्हारे बगैर कैंपस बहुत खाली लगता है। तुझे मैं इतनी मोटी लगती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। ये किसने गेट वेल सून के आगे लिखा है कि हमें इतनी जल्दी नहीं? ये वो है ना रोमियो नमूना, जो कैंपस में भी वो कपड़े पहन के आते हैं जो लोग शादी में पहन के जाते हैं। ये बॉयज भी ना कितने मीन होते हैं। चश्माटू तुझे कितनी गालियां आती हैं? बोलना। वो हाँ कहूं कि नहीं? सुन तुझे जितनी भी गालियां आती है ना मेरी तरफ से तू रोमियो को दे दे। ऐसे लोग ना लड़कियों से गालियां सुनकर कॉम्प्लीमेंट समझकर खुश होते हैं। हीर, तुमने बताया नहीं ये सब हुआ कैसे? हाँ मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी घर जाने के लिए। बहुत अजीब सा दिन था, धूप थी बहुत। इस बस स्टॉप पे कोई मर्द खड़ा है क्या? अलग से जबान निकाल लूंगा, चल। आप दोबारा सोचा मर्द है कि नहीं? ओए सारे को मिलो, दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। ओ, क्यों मार रही हो? ओए अब बताओ तो सही, मार क्यों रही है? अरे चुप कर, रोक गाड़ी, रोको। अरे रोको, अरे ये तो बताते जाओ मजबूत जूते कहाँ से मिलेंगे। गली से ऐसे नहीं खरीदी थी, टूट गई कमीने। फिर क्या? जब मुझे होश आया ना मेरे दोनों जूतियां गायब थी, किताबें भी गायब थी। किताबों की तो खैर है, उन्हें खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ना मेरी दोनों जूतियां टूट गई थी। पापा मैं सुबह से रोमियो के ही घर पे हूँ। वो बहुत बोलता है। डोंट वरी रोमियो मुझे ड्रॉप कर देगा। पापा आंटी आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो आंटी, आपको पापा से बात करनी होगी ना, कोई भी। हेलो सेक्रेटरी साहब। जी जी शुक्रिया। आए कभी आप हमारे घर खाने पे? नहीं लेकिन तुम इस तरह क्यों बोल रही हो, तो समझ रहे होंगे तुम मेरे घर पे बैठी हुई हो। आप संडे को ऑफ होते? जी जरूर आएंगे आपकी तरफ। नहीं
राजा साहब से पूछने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप बुलाए और हम ना आए, हमने भला किसी छोटे शहर में अपनी पोस्टिंग करवानी है क्या? ओके बाय। चलो अब जल्दी से मुझे अच्छी कॉफी पिलाओ और घर ड्रॉप करो। तुम मुझे अपना दोस्त कम ड्राइवर ज्यादा समझती। तुम अच्छे दोस्त हो या ना हो पर ड्राइवर बहुत अच्छे हो। हाँ देता हूँ ना, तुम आंखें बंद करो। ओ कंजूस मेरे प्लान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मैं किसी गलत कमरे में आ गया हूं, लेकिन आपको कहीं देखा है? चोट मेरे सर पे लगी है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगा है कि तुम्हारे सर पे चोट लगी है। वैसे यहां रहती हो तुम? तुम पागल हो गए हो क्या? ये हॉस्पिटल है, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ। बड़ा अफसोस हुआ बच गई। ओ अफसोस एक्सीडेंट का हुआ है, बचने का नहीं। हाँ तुम क्या यहाँ फूलों की होम डिलीवरी करते हो? ये मैं एक्चुअली किसी मरीज के लिए लेकर आया था, वो तो मिली नहीं। चलो अब तुम रख लो। नहीं चाहिए। अरे रख लो जाया हो जाएंगे। आए भाई कमाल है भाई, देखा हमने आपकी मरीजा को ठीक कर दिया। मैं इनकी मरीजा नहीं। एक्सक्यूज मी, भाई इनकी वजह से तो आपको दूसरी जिंदगी मिली है। आपके घर वालों ने तो बड़ी कोशिश की डॉक्टर जगम से टाइम लेने की, लेकिन ना ले सके। इनके कहने पर डॉक्टर जगम जो है अपने सारे काम काज छोड़ के आपके ऑपरेशन के लिए यहाँ आए। अगर वो ना आते तो शायद। एनीवे कैसा फील कर रही हैं आप? जी बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे वो फूल उठा के दे देंगे ना तो मैं और ज्यादा बेहतर फील करूंगी। आपको मेडिकली अप टू डेट रखते हो डॉक्टर साहिबा? कंप्यूटर, मोबाइल और डॉक्टर को हर चंद महीने बाद
अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना ही पड़ता है। संडे को हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने हमें खाने पे बुलाया। Really? वो तो बहुत अच्छे आदमी है। और कौन कौन होगा वहां? सिर्फ हम। क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूँ कि अपने कॉलेज की प्रिंसिपलशिप के लिए उनसे बात करूं। और मैं सोच रही थी कि रोमी और शांजे की शादी की बात करूं उनसे। अगर इसलिए जाना है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाना? बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वैसे भी रिश्तेदारी के बाद आप मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की हेड होंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने रोलेबाजी से वादा किया कि रोमियो और रानिया की शादी होगी। डॉक्टर बन के सोचे, वैसे भी कजिन्स की शादी मेडिकली दुरुस्त नहीं। हाँ। रोमियो और शांजे की शादी के बहुत से फायदे होंगे। मसलन हमारा बेटा डॉक्टर बना है, बहू तो बन रही है। और बीवी जो है वो हाउसवाइफ होनी चाहिए। डॉक्टर होगी तो सारा दिन मरीजों और बीमारियों की बातें करेगी और कहेगी, हाय आज मैं बड़ी बीमारी वाला पेशेंट देखकर आई हूँ। ऐसे कहेगी जैसे कोई एफिल टावर देखकर आई हो। और वैसे भी डॉक्टरों के हाथों का खाना बिल्कुल दवाइयों जैसा होता है। मेरे हाथों का खाना में से दवाइयों का जायका आता है? तुम्हें तो मेरी तारीफ करते हो। और खामंद हूँ, कितना सच बोल सकता हूँ। हम संडे को जाएंगे और रोमियो की शादी शांजे से ही होगी। अगर इसलिए जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और तुम कान खोल कर सुन लो। शुरू की दोबारा? अल्लाह का शुक्र है हीर खैर से घर आ गई। अम्मा और अब्बा जी भी बस आते होंगे, सदका देने गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्पताल और अदालत के चक्कर में तो अब किसी दुश्मन को ना डाल। तौबा तौबा, अब्बा जी भी अस्पतालों के सख्त खिलाफ है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अब्बा जी के हाथों में बड़ी शिफा है। हाँ, ये तो है। हाँ, अब्बा जी की तो थप्पड़ में भी बड़ी शिफा है। अकीद, अकीद। हाजा, शेख सालम ये कह रहे थे कि अगर कोई और काम है तो जरूर बताएं। वो जदी भाई, शेख सालम से कहकर मुझे मोटरसाइकिल किस्तों पे दिलवा दे। कोई छोटा काम है तो क्यों बता रहे, कोई बड़ा काम बताए। यानी अल-कबीर। बड़ा काम? ऊंट किस्तों पे दिलवा दे। हज़ा, शेख सालम ने डॉक्टर सिगम को फोन किया तो माशाअल्लाह हीर का ऑपरेशन हुआ। पुदीने का जिक्र ही कोई नहीं है बीच में। वो जी, पुदीने से मुराद सब्जी नहीं, एमपीए है नजर भाई के इलाके का। हाँ। पुदीना ने डॉक्टर जैगम को फोन किया तभी उसने इमरजेंसी में हीर का ऑपरेशन किया। मेरी तरह बड़ा रोब है जी पुदीना का। सालन हुई है असेंबली, पुदीना के बगैर कोई चीज मुकम्मल ही नहीं होती।
ये पुत्री, जेदी तेरे लिए हलवा लेकर आया है। हीर को हलवा निकाल के दे ना। गोली मार शर्म को, हलवा दे हीर को। तैयब नूनी मुझे दे रहा है नजर। हलवा 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 हलवा, हमें डॉक्टर ने मना किया हमें क्या हलवा खाने से। अब आपने बनाया है? हाँ सर, माशाल्लाह मेरी प्यारी अम्मी और मैंने बेकरी से खरीदा है। शुक्रिया। कौन सी बेकरी से लिया है? अरे मुझे बता दे, मैं आपको रियायत करवा देता। जो बचे नजर भाई को दे देना। लो, अब मैं बच्चा को चा खाऊंगा। भाई आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है, वो भी सीनियर। वाह जी वाह, रातों रात आपने तरक्की कर ली, सीनियर हो गए। दे तू ना बस। ये ले ले। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। मैं कोई मिनते भी करेगा ना तो भी नहीं खाना मैंने ये। बाजार से कोई नया मंगा दे तो अलग बात है। आप जरा बाहर आएंगे? जीती बच्चा तुझसे अकेले में मिलना चाहती है। वो जेदी ना थोड़ा शर्मीला है ना। हलवा मंगाना होगा। चांदी बरक वाला, गाजर का हलवा, खोए वाला। बड़े हलवे खाए जा रहे जेदी भाई। भाई मत कहो ना यार। खैर से हलवा किस खुशी में? तुम्हारे बचने की खुशी में या हीर। सच्ची मैं बच गई हूँ, लेकिन जेदी भाई लात कलम से आज। जेदी भाई मत कहो, हमारी मंगनी टूट जाएगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे कितना पसंद करते हैं? इतना बस? इतनी ज्यादा? अब ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो गया, कम कर ले। वो मेरा काम करेंगे? ऐसे नहीं, वादा करें, हाथ में हाथ पकड़ के। पक्का वादा। या बोल, या सलाम, या बोल, या सलाम। मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी एक नमूने से करा दी, वो तोड़वानी है। या सलाम, या उम्मी, या उम्मी, या उम्मी। मिनाल, अपने पापा से पूछो खाने पे जाएंगे कि नहीं। पापा। मिनाल, अपनी मामा से कह दो कि नहीं जाएंगे। मिनाल, अपने पापा से कहो मत जाएं। हेलो। जी 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 जी, बात करवाएं, बात करवाएं। सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? हेल्थ सेक्रेटरी साहब। अरे नहीं सर, आप खाने पे बुलाएं और हम ना, ये कैसे हो सकता है? जी जी। अरे नहीं सर, हम लेट क्यों होंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
प्रोफेसर साहिबा, मेरा ख्याल है हम दोनों को खाने पे चलना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाई वो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, गुस्से में आकर हम दोनों को कहीं ट्रांसफर कर दिया तो फिर क्या कर लोगी? मैं नहीं जाऊंगी, बस। मत जाओ, खुद ही तुमने वादा किया था डिनर पे जाने का, नहीं जाना तो ना जाओ, आपकी मर्जी। प्रोफेसर, आई थिंक यू आर राइट, हमें जाना चाहिए। लेकिन एक शर्त है। तुम्हें पता है मुझे शर्तें पसंद नहीं है। वहां जाकर तुम बच्चों के रिश्तों की बातें मत शुरू कर देना। हेल्थ सेक्रेटरी वक्त के बाद पाबंद है, जाओ तैयार हो जाओ। तुम्हें मालूम है मर्द हमेशा तैयार होते हैं, रेडीमेड। ये जो औरतें होती हैं ना, औरतों को ज्यादा खुद को बनाना पड़ता है, सेल्फ मेड। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? आजकल तो बच्चे हाल बाद में पूछते हैं, वाईफाई का पासवर्ड पहले पूछते हैं। और विवेक साहब बताइए कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यंग बॉय, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? पापा इतने सारे डॉक्टर्स में से एक पेशेंट तो होना चाहिए ना। वो देखिए बिजी हो गए इंटरनेट पे। बेटा खाना लगवाओ जल्दी से। हाँ। बेक साहब, आप इन क्वैक्स का तो कुछ करवाएं। सादा क्वैक्स के बारे में या MBBS क्वैक्स के बारे में? गुड वन, गुड वन। और सुनाओ डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस कैसी जा रही है? बस जी, प्रैक्टिस मेक्स अ डॉक्टर परफेक्ट। लंच इज रेडी। चलिए आइए। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, खाना नहीं खाओगे? नहीं पापा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और ये मुझे कुछ खाने देगी नहीं। अच्छा ठीक है, आइए। सुना है आपको? भाई साहब, मैं सोच रही थी कि रोमियो और शांसे की जोड़ी कैसे रहेगी। मेरी सोच आपने कैसे पढ़ ली? यही सोच रहा था मैं। यानी शांसे बेटी हमारी हुई? शांसे आप ही की है, आप खाना खाएं। कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम अपने फोन पे लगी रहो। आप लोगों के चेहरों से तो लग रहा है आप लोगों का मूड ऑफ है। हमारा मूड नहीं, तुम्हारा वाईफाई ऑफ है। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि हम चुप हैं। अल्लाह, मैं तो सबको अपनी कहानी सुना सुना कर थक गई हूँ। हीर, वैसे तुम्हारे आने से ना कैंपस निखरा निखरा लग रहा है। वो इसलिए निखरा निखरा नजर आ रहे हैं क्योंकि तुमने अपनी ऐनक का नंबर ठीक करवा लिया। आए हाय हाय। तुम वही हो ना जो मरते मरते बची है? मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है। आई लव टाइम। अच्छा वैसे हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर रुकी थी तो मैंने देखा कि गाड़ी आकर रुकी है और वहाँ से दो गुंडे नीचे आए। गाड़ी के नीचे आ गए? मर गए? नहीं, गाड़ी से नीचे आए तो उन्होंने क्या किया कि अचानक से क्लटपुर उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगे और जितने भी मर्द थे ना बस स्टॉप पे उन सबने चूड़ियाँ पहन ली। वाओ, मुझे ये बताओ कि चूड़ियाँ पहनाने वाली बाद में आई थी या पहले से खड़ी थी? अब चूड़ियों का डिजाइन मत पूछ लेना। खैर उन गुंडों ने उस लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। ओह माय गॉड,
मतलब बस स्टॉप पे वॉशिंग? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने धुलाई के बाद क्या किया? धुलाई मतलब पिटाई शुरू कर दी, मुझे गुस्सा आया तो मैंने उनके सर पे जूता मारना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, उसका सर टूटा? नहीं, मेरा जूता टूट गया। तो खैर वो लड़की तो बच गई, लेकिन मैं नहीं बची क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसकी ब्रेक नहीं लगी और वो गाड़ी मुझे लग गई। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं है। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो तुमने जो मुझे स्टोरी सुनाई है वो एनीवेज जब तुम्हें याद आएगा मुझे बता देना। अरे फिर उसके बाद में बेहोश हो गई थी। अनकॉन्शियस? नहीं बस सादा बेहोश। सादा बेहोश, ओके ओके। अब तुम लोगों ने भी कहानी सुन ली ना, अब जाओ। उफ चलो यार प्लीज बैठे, मैं तो थक गई हूँ सुना सुना के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ? सर वो हुआ ये था कि अब ये ना पूछ ले। पूछेगा पूछेगा। हुआ क्या था? गुड लक, मैं चलता हूँ। फिर बताना। अल्लाह पूछेंगी क्या हुआ था? चश्माटू बस अब बहुत हो गया। मैं तो बच गई इस एक्सीडेंट से, लेकिन सबको कहानियां बता बता के मैं नहीं बचूंगी। कुछ करो। नहीं 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 नहीं, ये देखो तुम्हारे साथ जो हुआ मैंने सब लिख दिया है। अरे वाह चश्माटू, शाबाश। अब तू जल्दी से जा इसकी फोटोकॉपीज करा के ला। शुक्र है किसी कहानी नहीं बतानी पड़ेगी, फोटोकॉपी बांट देंगे। अच्छा चलो कुछ खाने चलते कैंटीन। आओ। मैं क्या जवाब दूंगा रोली बाजी को? जवाब क्या देंगे, ये तो इसमें कि वो सवाल क्या पूछती हैं? आपने क्यों की बेग साहब से रिश्ते की बात? आपने क्यों की रोली बाजी से रिश्ते की बात? इसलिए कि वो बचपन से चाहती थी कि रोमी की शादी रानिया से हो। अपने बचपन से? रोमियो की शादी शांजे से होगी। रोमियो की शादी शांजे से ही होगी, यही तो मैं कह रही हूं। मेरा मतलब है रोमियो की शादी शांजे से होगी नहीं, रानिया से होगी। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि रोमियो की शादी शांजे से होगी। गलती से मुंह से निकल गया, और ये खबर मैं रोली बाजी को कैसे दूंगा? बस इतना सा मसला है, मैं उनको खबर देती हूँ। देखो अभी बात मत करना। हेलो रोली बाजी, आपको मुबारकबाद देनी थी, हमने रोमियो की शादी शांजे से तय कर दी है। हेलो हेलो, जवाब क्यों नहीं दे रही है? हेलो मामा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मामा मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, हम उनसे टाइम ले लेंगे। जी हैं रोली बाजी, मेरी आवाज आ नहीं रही थी, रोमियो की आवाज आ गई आपको? पापा यार पहले नॉक करते फिर अंदर आते। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। पापा मैंने शादी के बारे में अभी सोचा भी नहीं। तुम शादी के बारे में सोचो या ना सोचो,
क्या फर्क पड़ता है, होनी तो तुम्हारी शादी है ना। हाँ लेकिन मैं शांति से शादी नहीं करना चाहता। यही बात तो तुम अपनी मामा को बताओ, ये बात अपनी मामा को बताओ कि तुम शांति से शादी नहीं करना चाहते हो। जी शांति मेरी अच्छी दोस्त है लेकिन मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा। सोचना भी नहीं। डॉक्टर साहिबा ये सुनिए, रोमियो कितनी अकलमंदी की बातें कर रहा है। नाम क्यों यूज कर रहे हैं? डॉक्टर शनास ये देखो रोमियो क्या कह रहे हैं। रोमियो 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 तुम आई नहीं। पापा मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहता। अभी कौन कह रहे है तुम्हें शादी करने को, अभी इस वक्त सारे इंतजाम होंगे भी कैसे। पापा मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहता। हैं? देखो बेटा रोमियो कोई मसला है ना मुझे बताओ, डॉक्टर भी आधा हकीम होता है। पापा मैंने अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। तो सोच लो। मैं सीरियस हूं। अरे तो मैं क्या उमर शरीफ हूं, मैं भी सीरियस हूं। और मैंने रोली बाजी से वादा किया था कि तुम्हारी शादी रानिया से होगी। व्हाट? यस रानिया। Show me, oh, ye bhi na jaane raaje ki hi re soon।